बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जाने जा रही हूँ मसाला दाल तड़का, और उसके लिए चीज़ें चाहिए यहाँ पर मेरे पास है मूंग की दाल है 200 ग्राम, मेरे पास मूंग की दाल है 100 ग्राम, मेरे पास माश की दाल है, 2 बड़े साइज़ के प्याज है जिसको स्लाइस कर लिया, 4 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसको मैंने इस तरह से 4 पीस में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ज़ीरा 1 टीस्पून है, दालचीनी के 2-3 स्टिक यूज़ कर रही हूँ, 3 से 4 लौंगे हैं, 10 से 12 काली मिर्चें हैं। मसालों के अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च का पाउडर हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और गरम मसाले का पाउडर 1/4 टीस्पून, और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर 1/2 कप। हम तड़के में भी यूज़ करेंगे 1/2 कप, तो टोटल 1 कप मैं इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। तो अब जो है ना, हम इसका जो मसाला हमने बनाना है ना, वो हम पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसके अंदर ना ऑयल डाल दिया है, अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर सारे साबुत गरम मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ऑयल अच्छे से गरम था। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर प्याज डालकर मैं इसको फ्राई करूँगी, जब तक इसका कलर जो है ना लाइट गोल्डन नहीं हो जाता तब तक हम इसको जो है ना वो फ्राई करेंगे। देखिए प्याज जो है ना वो हो चुका है, अब जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बाकी सारी चीज़ें। इसमें लहसुन शामिल कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर और सारे मसाले शामिल कर देंगे, सिर्फ गरम मसाला के अलावा, गरम मसाला हम बिल्कुल एंड में यूज़ करेंगे। मिक्स करूँगी इसको मैं अच्छे से, हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे अब इसके अंदर ताकि जो हमारे सारा मसाला है ना ये गल जाए, इसमें टमाटर प्याज अच्छे से सारा मसाला आपस में यकजान हो जाए। मैंने 1 कप पानी डाला है इसके अंदर। चले जी, मैं इसको रखूँगी 15 मिनट रखूँगी ढककर पकने के लिए ताकि ये जो है सारा मसाला अच्छे से गल जाए, तो हम उसको ढककर 15 मिनट तक के लिए मैं इसको पकाती हूँ। ये देखिए मसाला जो है ना हो चुका है, 15 मिनट हो गए हैं इसको, तो अब मैं इसको ना अच्छे से भूनूंगी ताकि जो है ना इसका पानी ड्राई हो जाए अच्छे से, जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है, और ऑयल भी जो है ना इसका सेपरेट हो जाए। देखिए मसाला जो है वो अच्छे से हो गया है, इसका पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर दाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ में शामिल करेंगे पानी। से मैं इसको मिक्स करूंगी, दाल को पकने में 45 से 50 मिनट तो लगेंगे इसको अच्छे से पकने में। तो पानी जो है मैंने तकरीबन इसके अंदर 4 से 5 गिलास इस्तेमाल कर लें आप, बाकी गाढ़ी कितनी रखनी है, पतली कितनी रखनी है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। तो अब मैं जो है ना इसको ढक के पकाऊंगी 40 से 45 मिनट तक के लिए, 45 से 50 मिनट तक के लिए। तो अब हम उसको ढक के पकाते हैं। दाल को ना पकते हुए 1/2 घंटा हो चुका है, और अभी माश की दाल जो है ना अभी थोड़ी अच्छी से गली नहीं है, तो मज़ीद मैं इसको भी पकाऊंगी। लेकिन मैं इसमें शामिल कर लगी हूँ ये साबुत हरी मिर्चें, ये 2 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। आप चाहें तो काट के शामिल कर दें अगर आप जो है वो स्पाइस खाना पसंद करते हैं। तो मैं इसके अंदर 2 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, अब मैं मज़ीद इसको पकाऊंगी। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ और मज़ीद पकाती हूँ इसको। ये देखें दाल जो है ना पक चुकी है, अब मैं शामिल करूँगी बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम मसाला शामिल कर देंगे इसके अंदर, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और अब जो है ना मैं इसका तड़का वो तैयार कर लेते हैं। देखिए तड़के के लिए मेरे पास यहाँ पर है ये प्याज, एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसका मैंने स्लाइस कर लिया है, 1/4 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर है राई दाना, और यहाँ पर मेरे पास साबुत गोल लाल मिर्च है 5 से 6, आप ये ले लें। और ऑयल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 1/2 कप यूज़ करूँगी,
तो अब हम इसका जो है ना वो तड़का वो लगा लेते हैं। यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया, मैं इसको डालूँगी ये प्याज, बिस्मिल्लाह खान रही, प्याज डालकर मैं इसको करूँगी ब्राउन करूँगी। जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना फिर हम शामिल करेंगे इसमें राई दाना, यानी कि ब्राउन होने से पहले ही हम शामिल करेंगे राई दाना और साबुत गोल लाल मिर्च। तो हम इसको ब्राउन करते हैं। देखिए प्याज जो है ना मेरा ब्राउन होने वाला है, तो अब मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर राई दाना और साबुत गोल लाल मिर्च। बस जब प्याज अब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसको तड़के में डालेंगे। अब मैं आपको उसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें दाल को मैंने सर्व कर दिया है और मैंने इसको हरे धनिए से गार्निश कर दिया है। दाल को पतला गाढ़ा रखना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अगर आप चावल के साथ खा रहे हैं तो दाल थोड़ी पतली अच्छी लगती है, और आप रोटी के साथ खा रहे हैं तो गाढ़ी गई दाल रख लें। लेकिन आप मैंने इसको इतनी रखा है कि अगर आप इसको रोटी के साथ भी खाएं दाल के साथ भी खाएं तो ये दोनों तरह से सही लगेगी। तो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी मैंने एडजस्ट की है। तो आप इसको ये रेसिपी कैसी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सिंपल है लेकिन बहुत मज़े की है। दाल चावल वैसे ही सबके फेवरेट होते हैं, तो आप इसको चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ भी अच्छी लगेगी, साथ में सैलड रखें चार हो तो बहुत ही मज़े का ये लगेगा। तो आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। ट्राई करें, पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, मुझे भाई फॉलो कर लें। मेरे चैनल पर अगर आप नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।